पहला बाब शाहाने यहूदा उजिया और यूताम और आखिज और हिस्किया और शाह इसराइल यरुबआम बिन युआस के अय्याम में खुदावन का कलाम होसिया बिन बीरी पर नाजिल हुआ। होसिया की बीवी और औलाद। जब खुदावन ने शुरू में होसिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावन को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। पस उसने जाकर जुमर बिन दिबलाइम को लिया, वो हामिला हुई और बेटा पैदा हुआ, और खुदावन ने उसे कहा उसका नाम यजरील रख, क्योंकि मैं अन करीब ही याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लूंगा और इसराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूंगा, और उसी वक्त यजरील की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूंगा। और वो फिर हामिला हुई और बेटी पैदा हुई, और खुदावन ने उसे फरमाया कि उसका नाम लूरहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर रहम न करूंगा कि उनको मुआफ करूं, लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा, और मैं खुदावन उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा, और उनको कमान और तलवार और लड़ाई और घोड़ों और सवारों के वसीले से नहीं छुड़ाऊंगा। और लूरहामा का दूध छुड़ाने के बाद वो फिर हामिला हुई और बेटा पैदा हुआ, और उसने फरमाया कि उसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूंगा। इसराइल बहाल किया जाएगा। तो भी बनी इसराइल दरिया की रेत की मानिंद बेशुमार उबेकयास होंगे, और जहां उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फरसंद कहलाएंगे, और बनी यहूदा और बनी इसराइल बाहम फराहम होंगे और अपने लिए एक ही सरदार मुकरर करेंगे और इस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि यजरील का दिन अजीम होगा। दूसरा बाब। अपने भाइयों से अम्मी कहो और अपनी बहनों से रोहामा। बेवफा जुमर, बेवफा इसराइल, तुम अपनी मां से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर हूं कि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जनाकारी अपने पिस्तानों से दूर करे, ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा करूं और उस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क जमीन की मानिंद बनाकर प्यास से मार डालूं। मैं उसके बच्चों पर रहम न करूंगा, क्योंकि वो हलाल ज़ादे नहीं हैं। उनकी माँ ने छिनाला किया, उनकी वालिदा ने रूह स्याही की, क्योंकि उसने कहा मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी पानी और ऊनी और कतानी कपड़े और रोगन और शरबत देते हैं। इसलिए देखो, मैं उसकी राह कांटों से बंद करूंगा और उसके सामने दीवार बना दूंगा ताकि उसे रास्ता न मिले, और वो अपने यारों के पीछे जाएगी पर उनसे जा न मिलेगी, और उनको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तब वो कहेगी मैं अपने पहले शौहर के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला ओ मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फराबानी बख्शी जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूंगा, और अपने ऊनी और कतानी कपड़े जो उसकी सत्रपोशी करते छीन लूंगा। अब मैं उसकी फाशागरी उसके यारों के सामने फाश करूंगा, और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इलावा इसके मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सबत के अय्याम और तमाम मुअय्यन ईदों को मौकूफ करूंगा, और मैं उसके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को जिनकी बाबत उसने कहा है ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दी है बर्बाद करूंगा, और उनको जंगल बनाऊंगा और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है मैं उसे बालीम के अय्याम के लिए सजा दूंगा जिनमें उसने उनके लिए बखूर जलाया जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता होकर अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। अपने लोगों के लिए खुदावंद की मोहब्बत। तो भी मैं उसे फरीफ्ता कर लूंगा और बियाबान मिलाकर उससे तसल्ली की बातें कहूंगा, और वहां से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, और अकूर की वादी भी
ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो और वो वहां गाया करेगी जैसे अपनी जवानी के आयाम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावन फरमाता है, तब वो मुझे ईशी कहेगी और फिर बाइली न कहेगी, क्योंकि मैं बालीम के नाम उसके मुंह से दूर करूंगा और फिर कभी उनका नाम न लिया जाएगा। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और जमीन पर रेंगने वालों से अहद करूंगा और कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूंगा और लोगों को अमन व अमान से लेटने का मौका दूंगा और तुझे अपनी अबदी नामजद करूंगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा। मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद बनाऊंगा और तू खुदावंद को पहचानेगी। और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी और वो यजरील की सुनेंगे और मैं उसको उस सरजमीन में अपने लिए बोऊंगा और लोरहामा पर रहम करूंगा और लो इमी से कहूंगा, तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे, ऐ हमारे खुदा। तीसरा बाब, होसिया और बेवफा औरत। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपए और 1.5 खूमर जौ देकर अपने लिए मोल लिया और उसे कहा, तू मुद्दते दराज तक मुझ पर कनात करेगी और हरामकारी से बाज रहेगी और किसी दूसरे की बीवी ना बनेगी और मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और हाकिम और कुर्बानी और सतून और अफूद और तेराफीम के बगैर रहेंगे। इसके बाद बनी इसराइल रजू लाएंगे और खुदावंद अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। चौथा बाब, खुदावंद की तरफ से इसराइल पर इल्जाम। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क में रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजबानी, अहद शिकनी और खून रेसी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है, इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवा हो जाएंगे, बल्कि समुन्दर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। खुदावंद काहिनों को मुलजिम ठहराता है, तो भी कोई दूसरे के साथ बहस न करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिंद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा और मैं तेरी मां को तबाह करूंगा। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जू जू वो फरावान हुए मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरजूमंद हैं। बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल होगा, मैं उनकी रवश की सजा और उनके आमाल का बदला उनको दूंगा। चूंकि उनको खुदावन का ख्याल नहीं इसलिए वो खाएंगे पर आसूदा ना होंगे, वो बदकारी करेंगे लेकिन ज्यादा ना होंगे। खुदावन बुत परस्ती की मजम्मत करता है। बदकारी और मैं और नए मैं से बसीरत जाती रहती है। मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लट उनको जवाब देता है।
क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर वो कुर्बानियां गुजरानते हैं और टीलों पर और बलूत और चनार और बतम के नीचे बखूर जलाते हैं, क्योंकि उनका साया अच्छा है। बस बहू बेटियां बदकारी करती हैं। जब तुम्हारी बहू बेटियां बदकारी करेंगी तो मैं उनको सजा न दूंगा, क्योंकि वो आप ही बदकारों के साथ खिलवत में जाते हैं और कस्बियों के साथ कुर्बानियां गुजरानते हैं। बस जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। ऐ इसराइल, अगरचे तू बदकारी करे तो भी ऐसा ना हो कि यहूदा भी गुनाहगार हो। तुम जिलजाल में ना आओ और बैत अवन पर ना जाओ और खुदावंद की हयात की कसम ना खाओ, क्योंकि इसराइल ने सरकश बछिया के मानिंद सरकशी की है। अब खुदावंद उनको कुशादा जगह में बर्रे की मानिंद चराएगा। इफ्राइम बुतों से मिल गया है, उसे छोड़ दो। वो मैं खोरी से सेर होकर बदकारी में मशगूल होते हैं। उसके हाकिम रुसवाई दोस्त हैं। हवा ने उसे अपने दामन में उठा लिया। वो अपनी कुर्बानियों से शर्मिंदा होंगे। पांचवां बाब। ऐ काहिनों, ये बात सुनो। ऐ बनी इसराइल, कान लगाओ। ऐ बादशाह के घराने, सुनो, इसलिए कि फतवा तुम पर है, क्योंकि तुम मिस्फा में फंदा और तबूर पर दाम बने हो। बागी खून रेजी में गर्क है, लेकिन मैं उन सब की तादीब करूंगा। मैं इफ्राइम को जानता हूँ और इसराइल भी मुझसे छुपा नहीं, क्योंकि ऐ इफ्राइम, तूने बदकारी की है, इसराइल नजिस हुआ। होसिया बुत परस्ती के खिलाफ खबरदार करता है। उनके आमाल उनको खुदा की तरफ रजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावन को नहीं जानते। और फखरे इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है। और इसराइल और इफ्राइम अपनी बदकिरदारी में गिरेंगे और यहूदा भी उनके साथ गिरेगा। वो अपने रेवड़ों और गल्लों के वसीले से खुदावन के तालिब होंगे, लेकिन उसको ना पाएंगे। वो उनसे दूर हो गया है। उन्होंने खुदावन के साथ बेवफाई की, क्योंकि उनसे अजनबी बच्चे पैदा हुए। अब एक महीने का अरसा उनकी जायदाद समेत उनको खा जाएगा। यहूदा और इसराइल के दरमियान जंग। जिबा में करना फूंको और रामा में तुरही। बैत आवन में ललकारो कि ऐ बिन्यामीन, खबरदार, पीछे देख। तादीब के दिन इफ्राइम वीरान होगा। जो कुछ यकीनन होने वाला है, मैंने इसराइली कबाइल को जता दिया है। यहूदा के उमरा सरहदों को सरकाने वालों की मानिंद है। मैं उन पर अपना कहर पानी की तरह उंडेलूंगा। इफ्राइम मजलूम और फतवे से दबा है, क्योंकि उसने तकलीद पर कनात की। बस मैं इफ्राइम के लिए कीड़ा हूंगा और यहूदा के घराने के लिए घुन। जब इफ्राइम ने अपनी बीमारी और यहूदा ने अपने जख्म को देखा, तो इफ्राइम असूर को गया और उस मुखालिफ बादशाह को दावत दी, लेकिन वो ना तुमको शिफा दे सकता है और ना तुम्हारे जख्म का इंदमाल कर सकता है, क्योंकि मैं इफ्राइम के लिए शेर बब्बर और बनी यहूदा के लिए जवान शेर की माने दूंगा। मैं, हाँ, मैं ही फाड़ूंगा और चला जाऊंगा। मैं उठा ले जाऊंगा और कोई छुड़ाने वाला ना होगा। मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो। वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे। छठा बाब। लोगों की झूठी तौबा। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो दो रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें
और खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका जहूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सैराब करती है आएगा। आए इफ्राइम मैं तुझसे क्या करूं, आए यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी नेकी सुबह के बादल और शबनम की मानिंद जल जाती रहती है। इसलिए मैंने उनको नबियों के वसीले से काट डाला और अपने कलाम से कत्ल किया है और मेरा अदल नूर की मानिंद चमकता है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। लेकिन वो अहद शिकन आदमियों की मानिंद हैं, उन्होंने वहां मुझसे बेवफाई की है। जिलाद बद किरदारी की बस्ती है, वो खून आलूदा है, जिस तरह से राहजनों के गौल किसी आदमी की घात में बैठते हैं उसी तरह काहिनों की गिरोह सिकम की राह में कत्ल करती है। हां उन्होंने बदकारी की है। मैंने इसराइल के घराने में एक हौलनाक चीज देखी। इफ्राइम में बदकारी पाई जाती है और इसराइल नजस हो गया। अय यहूदा तेरे लिए भी कटाई का वक्त मुकर्रर है, जब मैं अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। सातवां बाब। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं, अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने जो मुझ पर आया है उनको घेर लिया है। महल के अंदर साजिश। वो बादशाह को अपनी शरारत और उमरा को दरोगोई से खुश करते हैं। वो सब के सब बदकार हैं। वो उस तनूर की मानिंद हैं जिसको नानबाई गरम करता है और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हमारे बादशाह के जश्न के रोज उमरा तो गर्मी में से बीमार हुए और वो ठट्ठाबाजों के साथ बेतकल्लुफ हुआ। घात में बैठे उनके दिल तनूर की माने थे। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। वो सुबह के वक्त आग की मानिंद भड़कता है। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई न रहा जो मुझसे दुआ करे। इसराइल और दूसरी कौमें। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई न गई। अजनबी उसकी तवानाई को निगल गए और उसको खबर नहीं, और बाल सफेद होने लगे पर वो बेखबर है। और फख्र इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है तो भी वो खुदामंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। इफ्राइम बेवकूफ व बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जाल फैला दूंगा, उनको हवा के परिंदों की मानिंद नीचे उतारूंगा और जैसा उनकी जमात सुन चुकी है उनकी तादीब करूंगा। उन पर अफसोस क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए, वो बर्बाद हों क्योंकि वो मुझसे बागी हुए। अगरचे मैं उनका फिदिया देना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ द्रोह गोई करते हैं और वो हजूरे कलब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मैं के लिए तो जमा हो जाते हैं पर मुझसे बागी रहते हैं। अगरचे मैंने उनकी तरबियत की और उनको कवी बाजू किया तो भी वो मेरे हक में बद अंदेशी करते हैं। वो रुजू होते हैं पर हक ताला की तरफ नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानिंद है। उनके उमरा अपनी जबान की गुस्ताखी के सबब से तहतेग होंगे, इससे मुल्के मिस्र में उनकी हंसी होगी। आठवां बाब। खुदावन बुत परस्ती पर इसराइल की मजम्मत करता है। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावन के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावुज किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल
तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकरर किए पर मेरी तरफ से नहीं, उन्होंने उमरा को ठहराया है और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए ताकि नीस तो नाबूद हो। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मर्दूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है। वो कब तक गुनाह से पाक न होंगे, क्योंकि ये भी इसराइल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गर्द बाद काटेंगे। न उसमें डंठल निकलेगा, न उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इसराइल निगला गया, अब वो कौमों के दरमियान ना पसंदीदा बर्तन की मानिंद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानिंद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाई, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है, तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा और वो बादशाह उमरा के बोझ से गमगीन होंगे। चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाई, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसकी गुनहगारी का बाइस हुई। अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारह बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इसराइल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुतखाने बनाए हैं और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। नमा बाब। होसिया इसराइल के लिए सजा का ऐलान करता है। आए इसराइल, दूसरी कौमों की तरह खुशी और शादमानी ना कर, क्योंकि तूने अपने खुदा से बेवफाई की है। तूने हर एक खिलेहान में उजरत तलाश की है। खिलेहान और मैं के हौज उनकी परवरिश के लिए काफी ना होंगे, और नई मैं कफायत ना करेगी। वो खुदावंद के मुल्क में ना बसेंगे, बल्कि इफ्राइम मिस्र को वापस जाएगा, और वो असूर में नापाक चीजें खाएंगे। वो मैं को खुदावंद के लिए ना तपाएंगे, और वो उसके मकबूल ना होंगे। उनकी कुर्बानियां उनके लिए नोहा घरों की रोटी की मानिंद होंगी। उनको खाने वाले नापाक होंगे, क्योंकि उनकी रोटियां उन्हीं की भूख के लिए होंगी और खुदावंद के घर में दाखिल ना होंगी। मजमाए मुकद्दस के रोज और खुदावंद की ईद के रोज क्या करोगे? क्योंकि वो तबाही के खौफ से चले गए, लेकिन मिस्र उनको समेटेगा। मोफ उनको दफन करेगा। उनकी चांदी के अच्छे खजानों पर बिच्छू बूटी काबिज होगी। उनके खैमों में कांटे उगेंगे। सजा के दिन आ गए, जजा का वक्त आ पहुंचा। इसराइल को मालूम हो जाएगा कि उसकी बदकिरदारी की कसरत और अदावत की ज्यादती के बायस नबी बेवकूफ है, रूहानी आदमी दीवाना है। इफ्राइम मेरे खुदा की तरफ से निगेबान है, नबी अपनी तमाम राहों में चिड़ी मार का जाल है। वो अपने खुदा के घर में अदावत है। उन्होंने अपने आप को नहायत खराब किया, जैसा जिबा के अय्याम में हुआ था। वो उनकी बद किरदारी को याद करेगा और उनके गुनाहों की सजा देगा। इसराइल का गुनाह और उसके नताएज। मैंने इसराइल को बियाबानी अंगूरों की मानिंद पाया, तुम्हारे बाप दादा को इंजीर के पहले पके फल की मानिंद देखा, जो दरख्त के पहले मौसम में लगा हो। लेकिन वो बालफहूर के पास गए और अपने आप को उस बाई से रुसवाई के लिए मखसूस किया और अपने उस महबूब की मानिंद मकरूह हुए। अहले इफ्राइम की शौकत परिंदे की मानिंद उड़ जाएगी। विलादत और हामला का वजूद उनमें ना होगा और करारे हमल मौकूफ हो जाएगा। अगरचे वो अपने बच्चों को पाले
तो भी मैं उनको छीन लूंगा ताकि कोई आदमी बाकी न रहे, क्योंकि जब मैं भी उनसे दूर हो जाऊं तो उनकी हालत काबिले अफसोस होगी। इफ्राइम को मैं देखता हूं कि वो सौर की तरह नफीस जगह में लगाया गया, लेकिन इफ्राइम अपने बच्चों को कातिल के सामने ले जाएगा। ऐ खुदावंद, उनको दे, तू उनको क्या देगा? उनको इस काते हमल और खुश्क पिस्तान दे। इसराइल पर खुदावंद का गजब। उनकी सारी शरारत जिलजाल में है। हां, वहां मैंने उनसे नफरत की, उनकी बद अमाली के सबब से मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और फिर उनसे मोहब्बत ना रखूंगा। उनके सब उमरा बागी हैं, बनी इफ्राइम तबाह हो गए, उनकी जड़ सूख गई, उनके हां औलाद ना होगी, और अगर औलाद हो भी तो मैं उनके प्यारे बच्चों को हलाक करूंगा। नबी इसराइल की बाबत बोलता है, मेरा खुदा उनको रद्द कर देगा क्योंकि वो उसके शुनवा नहीं हुए, और वो अक्वामे आलम में आवारा फिरेंगे। दसवां बाब। इसराइल लहलहाती ताक है जिसमें फल लगा, जिसने अपने फल की कसरत के मुताबिक बहुत सी कुर्बानगाहें तामीर की और अपनी जमीन की खूबी के मुताबिक अच्छे अच्छे सतून बनाए। उनका दिल दगाबाज है, अब वो मुजरिम ठहरेंगे। वो उनके मसबों को ढाएगा और उनके सतूनों को तोड़ेगा। यकीनन अब वो कहेंगे, हमारा कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है। उनकी बातें बातिल हैं, वो अहद पैमा में झूठी कसम खाते हैं, इसलिए बला ऐसी फूट निकलेगी जैसे खेत की रेगारियों में इंद्राइन। बैत अवन की बच्चियों के सबब से सामरिया के बाशिंदे खौफ सदा होंगे, क्योंकि वहां के लोग उस पर मातम करेंगे, और वहां के काहिन भी जो उसकी गुज़िश्ता शौकत के सबब से शादमान थे। इसको भी असूर में ले जाकर उस मुखालिफ बादशाह की नजर करेंगे। इफ्राइम नदामत उठाएगा और इसराइल अपनी मशवरत से खज्जल होगा। सामरिया का बादशाह कट गया है, वो पानी पर तैरती शाख की मानिंद है, और अवन के ऊंचे मकाम जो इसराइल का गुनाह है बर्बाद किए जाएंगे, और उनके मजहबों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे, और वो पहाड़ों से कहेंगे हम कुछ छुपा लो, और टीलों से कहेंगे हम पर आ गिरो। खुदावंद इसराइल पर गजब का ऐलान करता है, आए इसराइल, तू जिबा के अयाम से गुनाह करता आया है, वो वहीं ठहरे रहे ताकि लड़ाई जिबा में मद किरदारों की नस्ल तक ना पहुंचे। मैं जब चाहूं उनको सजा दूंगा, और जब मैं उनके दो गुनाहों की सजा दूंगा तो लोग उन पर हजूम करेंगे। इफ्राइम सधाई हुई बछिया है जो दौना पसंद करती है, और मैंने उसकी खुशनुमा गर्दन को दरेख किया, लेकिन मैं इफ्राइम पर सवार बिठाऊंगा, यहूदा हल चलाएगा और याकूब ढेले तोड़ेगा। अपने लिए सदाकत से तुख्म रेजी करो, शफकत से फसल काटो, और अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। तुमने शरारत का हल चलाया, बद किरदारी की फसल काटी और झूठ का फल खाया, क्योंकि तूने अपनी रविश में अपने बहादुरों के अंबोह पर तकिया किया। इसलिए तेरे लोगों के खिलाफ हंगामा बरपा होगा और तेरे सब कले मिसमार किए जाएंगे, जिस तरह शलमन ने लड़ाई के दिन बैत अरबील को मिसमार किया था, जबकि मां अपने बच्चों समेत टुकड़े टुकड़े हो गई। तुम्हारी बेनहायत शरारत के सबब से बैतेल में तुम्हारा यही हाल होगा, शाह इसराइल अलल सबाह बिल्कुल फना हो जाएगा। ग्यारवां बाब। गर्दनकश लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए।
उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानिंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्के मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं, बावजूद कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रजू लाएं, लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद करे। ऐ इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? ऐ इसराइल, मैं तुझे क्यों कर तर्क करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानित करूं और ज़िबोइम की मानित बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजजन है। मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। मैं हरगिज इफ्राइम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूं, तेरे दरमियान सकूनत करने वाला कद्दूस। और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा, वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदे की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानिंद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। इसराइल और यहूदा पर सजा का हुक्म। इफ्राइम ने दरोह गोई से और इसराइल के घराने ने मक्कारी से मुझको घेरा है, लेकिन यहूदा अब तक खुदा के साथ, हां उस कुद्दूस वफादार के साथ हुक्मरान है। बारवां बाब। इफ्राइम हवा चरता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है, वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहदो पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावन का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हां वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतेल में पाया और वहां वो हम से हम कलाम हुआ, यानी खुदावन रब्बुल अफवाज यहोवा उसकी यादगार है। पस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ती पर कायम, और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। गजब के बारे में मजीद बयान। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है, वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मैंने बहुत समाल हासिल किया है, मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह न पाएंगे, लेकिन मैं मुल्के मिस्र से खुदावन तेरा खुदा हूँ। मैं फिर तुझको ईद मुकद्दस के अयाम के दस्तूर पर खैमों में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीले से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जिल्लाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बतालत है, वो जिलजाल में बैल कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बानगाहें खेत की रिगारियों पर के तोदों की मानिंद है। और याकूब आराम की जमीन को भाग गया, हाँ इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना, उसने बीवी की खातिर चौपानी की। एक नबी के वसीले से खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और नबी ही के वसीले से वो महफूज रहा। इफ्राइम ने बड़े सख्त गजबंगेज काम किए, इसलिए उसका खून उसी की गर्दन पर होगा और उसका खुदावंद उसकी मलामत
उसी के सर पर लाएगा। 13वां बाब, इसराइल पर आखिरी गजब का नजूल। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनाहगार होकर फना हो गया, और अब वो गुनाह पर गुनाह करते हैं। उन्होंने अपने लिए चांदी की ढाली हुई मूर्तें बनाई और अपनी फहमीद के मुताबिक बुत तैयार किए, जो सब के सब कारीगरों का काम है। वो उनकी बाबत कहते हैं, जो लोग कुर्बानी गुजरानते हैं बछड़ों को चूमे, इसलिए वो सुबह के बादल और शबनम की मानिंद जल्द जाते रहेंगे, और भूसी की मानिंद जिसको बगोला खिलेहान पर से उड़ा ले जाता है, और उस धुएं की मानिंद जो दूध कश से निकलता है। लेकिन मैं मुल्के मिस्र ही से खुदावन तेरा खुदा हूं, और मेरे सिवा तू किसी माबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और नजात देने वाला नहीं है। मैंने बियाबान में यानी खुश्क जमीन में तेरी खबरगीरी की, वो अपनी चरागाहों में शेर हुए, और शेर होकर उनके दिल में घमंड समाया और मुझे भूल गए, इसलिए मैं उनके लिए शेरे बब्बर की मानिंद हुआ, चीते की मानिंद राह में उनकी घात में बैठूंगा। मैं उस रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे छिन गए हों उनसे दो चार हूंगा, और उनके दिल का पर्दा चाक करके शेरे बब्बर की तरह उनको वहीं निगल जाऊंगा। दश्ती दरिंदे उनको फाड़ डालेंगे। ए इसराइल, यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ बना। अब तेरा बादशाह कहां है कि तुझे तेरे सब शहरों में बचाए, और तेरे काजी कहां है जिनकी बाबत तू कहता था कि मुझे बादशाह और उमरा इनायत कर। मैंने अपने कहर में तुझे बादशाह दिया और गजब से उसे उठा लिया। इफ्राइम की बद किरदारी बांध रखी गई और उसके गुनाह जखीरे में जमा किए गए। वो गोया दर्द जह में मुबतला होगा, वो बेदानिश फरजंद है। अब मुनासिब है कि विलादत गाह में देर ना करे। मैं उनको पाताल के काबू से नजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। आय मौत, तेरी वबा कहां है? आय पाताल, तेरी हलाकत कहां है? मैं हरगिज रहम ना करूंगा। अगरचे वो अपने भाइयों में बरोमंद हो, तो भी पूर्वी हवा आएगी, खुदावन का दम बियाबान से आएगा, और उसका सोता सूख जाएगा, और उसका चश्मा खुश्क हो जाएगा। वो सब मरगूब जरूफ का खजाना लूट लेगा। सामरिया अपने जुर्म की सजा पाएगा, क्योंकि उसने अपने खुदा से बगावत की है। वो तलवार से गिर जाएंगे, उनके बच्चे पारा पारा होंगे, और बारदार औरतों के पेट चाक किए जाएंगे। 14वां बाब, होसिया इसराइल से इल्तजा करता है। ऐ इसराइल, खुदावंद अपनी खुदा की तरफ रजूला, क्योंकि तू अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ और कहो, हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। असूर हमको नहीं बचाएगा, हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे, और अपनी दस्तकारी को खुदा न कहेंगे, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तू ही है। खुदावन इसराइल के लिए नई जिंदगी का वादा करता है। मैं उनकी बरगश्तगी का चारा करूंगा, मैं कुशादा दिली से उनसे मोहब्बत रखूंगा, क्योंकि मेरा कहर उन पर से टल गया है। मैं इसराइल के लिए ओस की मानिंद होऊंगा, वो सोसन की तरह फूलेगा और लुबनान की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी डालियां फैलेंगी और उसमें जैतून के दरख्त की खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। उसके जेरे साया रहने वाले बहाल हो जाएंगे। वो गेहूं की मानिंद दरोताजा और ताक की मानिंद शुगुफ्ता होंगे। उनकी शोहरत लुबनान की मैं किसी होगी। इफ्राइम कहेगा, अब मुझे बुतों से क्या काम, मैं खुदावन ने उसकी सुनी है और उस पर निगाह करूंगा।
मैं सरसब्ज सरू की मानिंद हूं, तू मुझ ही से बरोमंद हुआ। हासिल कलाम। दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूरंदेश कौन है जो इनको जाने, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे।